लखनऊ में सीए को लेकर धरने पर महिलाएं। अखिलेश यादव की बेटी टीना पहुंची धरना स्थल पर। दोस्तों के साथ पहुंची टीना सीए के खिलाफत में। अखिलेश यादव भी कर रहे हैं सीए का पुरजोर विरोध। आप नागरिकता किस आधार पर देना चाहते हैं? आप धर्म के आधार पर देना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मुसलमान को नागरिकता न मिले और कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये शब्द, ये बयान सीए के खिलाफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के हैं। लेकिन अब कुछ ऐसी ही सोच, कुछ ऐसे ही विचार अखिलेश यादव की बिटिया टीना के भी हो गए हैं। सर्द हवाओं, गलन और कड़ाके की ठंड के बाद भी घंटा घर पर पिछले चार दिनों से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। दिल्ली के शाहीन बाग की तरह लखनऊ में भी महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं और नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग कर रही हैं। लखनऊ की इन सड़कों पर बड़ी संख्या में महिलाएं नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही हैं और इसी विरोध के चलते अखिलेश यादव की बेटी टीना भी लखनऊ में धरना प्रदर्शन के दौरान अपनी दोस्तों के साथ नजर आई। ऐसे में जैसे ही लखनऊ में सीए के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन में टीना यादव की तस्वीर उनके दोस्तों के साथ कैमरे में कैद हुई, वैसे ही सियासी गलियारों में सनसनी फैलनी शुरू हो गई। लोगों का कहना यह है कि अब अखिलेश यादव की बिटिया भी सियासी संग्राम में कूद गई हैं। यानी कि अखिलेश यादव की सिर्फ सपाई सेना ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव का परिवार भी सीएए के खिलाफ विरोध में आ गया है। आपको बता दें कि सिर्फ अखिलेश यादव की बिटिया ही सियासत के संग्राम में नजर नहीं आई है बल्कि अगर दिल्ली चुनाव की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल का परिवार भी चुनावी मैदान में नजर आ रहा है, जो केजरीवाल के समर्थन में न सिर्फ वोट मांग रहा है बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने में भी जुटा है। वहीं दूसरी तरफ 2015 में प्रियंका गांधी के बेटे रेहान भी अमेठी की गलियों में लोगों के बीच नजर आए थे। ऐसे में सियासत में सियासी परिवार के बच्चों का मैदान में आना कुछ नया नहीं है। सीए के विरोध में लखनऊ में चल रहे महिलाओं के धरना प्रदर्शन में अखिलेश यादव की बिटिया का नजर आना कौन सा सियासी रंग दिखाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।